प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गैरो लहर, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर। ऋषिकेश की तरफ आया था तो सोचा क्यों ना त्रिवेणी घाट की तरफ आपको लेके चलूं। त्रिवेणी घाट में माँ गंगा का भी यहां पे देखिएगा दर्शन आपको करवा रहा हूं मैं इस वक्त, और जितने भी दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं माँ गंगा के दर्शन करते हुए, तो हर हर गंगे जरूर बोलिएगा। मगर त्रिवेणी घाट की तरफ आने का मेरा एक मेन मकसद ये भी था कि मैंने सुना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्री शूट में आपको यहाँ से दूर से दिखाने का प्रयास करूंगा। और देखिएगा तमाम जो लोग हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूटिंग चल रही है अंदर, तो बाहर से देख रहे हैं बड़े बड़े कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह, बड़े बड़े माइक्स यहाँ पे रखे हुए हैं और डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे शूट की जा रही है। अब मेन उद्देश्य आप समझिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री शूट दिखाने का मेरा क्या है, वो यही है कि एक अच्छा संदेश हमारे ऋषिकेश से अलग अलग प्रदेश अलग अलग देश में जाता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कई मूवीज कई फिल्म्स कई डॉक्यूमेंट्रीज कई म्यूजिक एल्बम्स कई सॉन्ग्स हमारे ऋषिकेश के ऊपर बने भी हैं, और यहाँ पर कई जो कलाकार हैं वो आते हैं ऐसे अलग अलग, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो कोई म्यूजिक वीडियो बना रहा है तो कोई अलग अलग शूट कर रहा है। तो शायद आज ये बहुत अच्छा हो जाता है हमारे उत्तराखंड के लिए कि भाई किस तरीके से उत्तराखंड में ऋषिकेश जैसे शहर को एक इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पर अलग अलग जगह पे लोगों को देखेगा अलग अलग डॉक्यूमेंट्री के अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पे तमाम चीजें रखी गई हैं। साथ में भाई भी हैं जो काफी समय से शायद यहाँ पे होंगे, जो कि फूल वगैरह ये तमाम जो गंगा के लिए अर्पित किया जाते हैं उन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मगर ये संदेश मैं आपको देना भी चाह रहा था, बताना भी चाह रहा था कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ देवभूमि ही को कवर करने के लिए या फिर देवी देवताओं के लिए भी नहीं आते हैं लोग, ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिनके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम चीजें होती है। ये खूबसूरती है हमारे उत्तराखंड की, ये खूबसूरती है हमारे उस शहर की, जिस खूबसूरती को शायद अब बनाने के लिए आपको मुझको और तमाम यहाँ के रहने वाले तमाम उन लोगों को भी मेहनत करनी होगी। मेहनत कैसे होगी कि गंगा किनारे जितने भी लोग आते हैं उनको गंगा का साफ सफाई का इस्तेमाल सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा करकट कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे ऋषिकेश शहर एक अच्छे अहदे पर, चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड या फिर हम गढ़वाली मूवीज की बात करें, वहाँ पे हर जगह पे ऋषिकेश को प्राथमिकता जरूर मिलती है। तो अपने घर के आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखना तो है ही, मगर साथ में जो हमारे ऐसे जगह है जहाँ पे हमारी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, चाहे यहाँ पे हम इस प्रांगण की बात करें, यहाँ पे रोज शाम को 6 बजे के बाद आरती शुरू हो जाती है, आरती यहाँ पे की जाती है, चाहे हम पूर्णानंद की बात करें वहाँ पे भी ऐसे होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो ऋषिकेश है, हमारा जो उत्तराखंड है, उसको साफ रखना स्वच्छ रखना शायद हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो तमाम यहाँ पे लोग हैं, मैं वहाँ आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा प्रोटोकॉल जरूर है वहाँ पे, क्योंकि अगर हम ही सब कुछ दिखा देंगे तो फिर उनके लिए क्या बचेगा। तो लोग भी यहाँ पे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो सब देख रहे हैं किस तरीके से अंदर शूटिंग चल रही है, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है ऊपर। हालांकि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बैरिगेटिंग्स भी जरूर की है, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आने के लिए रोकी गई है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे प्रशासन शासन के तमाम जो लोग हैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे तत्पर रहते हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाहर से मैंने मुंबई से देखी इनकी गाड़ी, मुंबई से लोग यहाँ पे आए हैं, तो देखिएगा मुंबई से यहाँ आकर शूटिंग करना और ऋषिकेश जैसे शहर को दिखाना, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस शहर को अपना साफ सुथरा रखें ताकि जो संदेश है वो अच्छा जाए। तो यही एक खास एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया था कि चलिए आपको भी बताएं कि ऋषिकेश में क्या कुछ हो सकता है। गंगा आरती को लेकर तमाम भजन कीर्तन हर एक गली मोहल्ले में ऋषिकेश में तो जरूर देख सुनने को मिलते हैं, मगर एक तस्वीर ये भी है हमारे ऋषिकेश की, एक बार दिखाने का मैं फिर से बोलूंगा, अपने कैमरामैन को दिखाइएगा, बड़े बड़े माइक्स कैमरास, बोया के माइक है वहाँ पे, बोया के कैमरास वगैरह तमाम चीज़ें, कैनन के मैंने अभी कैमरास देखे थे वहाँ पे, बड़े बड़े माइक्स वहाँ पे उन्होंने रिफ्लेक्टर्स भी काफ़ी सारे लगे और प्रशासन के भी काफ़ी सारे। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होता है, बहुत सुंदर नगरी है हमारी योग नगरी ऋषिकेश, बनाए रखिएगा तमाम जो लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।